जो एक बूम आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और उस पर उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के अंदर भारतीय निजात अमेरिकन उन्होंने उठाया उनका इन्फ्लुएंस बड़ा इस वक्त अगर व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स आप देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ अपॉइंटमेंट्स यहां पे इस वक्त जो बाइडेन के स्पीच राइटर इज इंडियन और व्हाइट हाउस का इस वक्त जो मीडिया इंचार्ज है जो सोशल uh, मीडिया uh, का दैट इज इंडियन एज वेल अब इस वक्त हमारी वाइस प्रेसिडेंट शी इज निजात इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के दो कैंडिडेट जो है रिपब्लिकन पार्टी के निकी हेली है और दूसरा विवेक विवेक जो है वो भी भारतीय निजात है मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं मेरा पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स है मैं एक अफसोस के साथ ही कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सी बन रहे हैं लेकिन यहाँ हार्वर्ड से ऑक्सफोर्ड से कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो है

चाइना भी आपको सिर्फ आप बड़ी खूबसूरती से पाक हालत जंग में, है युक्रेन। युक्रेन को आगे में कर्जा दे दिया आपको नहीं दे रहा। उसकी ये है के भारती भारती सी के अंदर इतनी स्ट्रॉग है और मैं फ्यूचर के लिए आपको आज बात बताना चाहूंगा अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा आपसे वरना बात नहीं करेगा भारत इस अमेरिका इस इस वक्त इस वक्त अमेरिका अमेरिका की झोली में पड़ा है और 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 उनसे पूछे बगैर भारत, भारत की झोली में के 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 अंदर 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 भी भी वर्ल्ड बैंक बिल्कुल टोटल जो है वो भारत की मर्जी चल रही है आपको फैटफ से भी भारत से पूछ के निकाला गया था और फ्यूचर में भी भारत से पूछा जाएगा कि आप माइंड तो नहीं करेंगे गुरु आर्यन साहब जो भारत से उन्होंने वो जनरल विपद रावत जो उनके उनके घर में जाके बिल्कुल जा उन्होंने बनाया था और उन्होंने ये भी बताया था कि इनका इनके वाले साहब भी जर्नैल थे मैं वो गेट देख के जिस गेट से एंटर हुए और जिस ड्राइंग रूम में बैठे हैं मैं कहता हूं आपके बच्चों को देखना चाहिए वो सारा कुछ क्या है ये है। सिंपल सिंपल इज दैट कि जो आपके पठान भाई हैं अफगानी भाई उन्होंने पचहत्तर दफा कहा कि अपने मिजाइलों के नाम चेंज किया करो ये हमारे नाम रख लेते हो आप कभी सूरी मिजाइल बनाते हो तो सूरी तो उनके थे आप अपना लोकल नाम ढूंढो यार है। मंडी ना है। इस जो मोदी आ, आ, अब वो मैं किस तरह कह रहा हूं पॉलिटिक्स के अंदर जो दुनिया के अंदर इस वक्त जो नई ग्रुपिंग बन रही है जिसमें रशिया और चाइना एक ग्रुप बन रहा है और बन चुका है मैटर और अमेरिका एक ग्रुप बन चुका है अमेरिका अपना और उसके बाद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अपने फ्लॉज हैं कई आ, लेकिन आ, जो इस वक्त मोदी साहब आ रहे हैं जो दो तीन चार चीजें जो सामने इस वक्त के नजर आ रही हैं एक तो उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड आस्टन जो थे वो गए भारत उसके बाद हमारे एनएसए अमेरिकन जो है जैक सोलबन वो गए भारत आ, और उसमें उनका डिफेंस के अंदर तेजा जहाजों के इंजन बनाएंगे जनरल इलेक्ट्रिक वाले भारत के अंदर और उसके बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी ड्रोन जो है वो तकरीबन तीन बिलियन डॉलर के तीस ड्रोन जो है वो भारत खरीदेगा और उस, उसके बाद कई इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो साइन हो गए यहाँ पे अब मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त इसमें इस ट्रिप के साथ और यूएस और इंडिया रिलेशनशिप में अमेरिका क्या चाहता है और भारत क्या चाहता है मैं ब्रीफली थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको उसके अंदर अमेरिका अचीव करना चाहता है कि उस रीजन में भारत जो है वो चाइना को कन्फ्रंट करे और अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और चाइना की तरक्की को रोका जा सके पहला ऑब्जेक्टिव ये है अब दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप माजी के अंदर देखें तो भारत सबसे ज्यादा असला खरीदता था रशिया से अब पहले अमेरिका जो था वो भारत को असला नहीं देता था और बलखसूस अगर देता भी था तो साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता था देवर टू डू इट अब वो ये करके अचीव ये करना चाहते हैं कि भारत को रशिया से दूर ले जाना चाहते हैं ये दो ऑब्जेक्टिव हैं इस वक्त टू टू स्टैंड अगेंस्ट चाइना और रशिया जो है उसको uh, दूर करना uh, भारत से ये दो ऑब्जेक्टिव जो है वो अमेरिकन है अब भारत के क्या ऑब्जेक्टिव है मैं वो बताना चाहूंगा भारत का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वक्त आपको देखा होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आ रहे हैं और अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज हैं वहां यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही एक तो उनको एक तो उनको एक उनके पास ये एक एडवांटेज है दूसरा यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा जो है उन्होंने दे आर वेरी रिच बहुत पैसा बनाया उन्होंने जो एक बूम आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और उस पर उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के अंदर भारतीय निजात अमेरिकन ने उन्होंने उठाया

विवेक जो है वो भी भारतीय निजात है और ये सारा कुछ देखने के बाद अगली चीज ये हो रही है कि इस वक्त जो अमेरिका की सेंक्शन जाएंगी चाइना के खिलाफ उनके साथ ट्रेड जो कम किया जाएगा चाइना के से उनकी डिपेंडेंस जो है वो खत्म की जाएगी ये सारा बिजनेस चाइना से उठा के वो भारत ले जाना चाहते हैं ये भारतीय ऑब्जेक्टिव है और दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात अगर आप उनका भारत का आप देखें कि किस तरीके से दे आर मूविंग टूवर्ड्स बींग रीजनल पावर उसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा एस की चेयरमैनशिप है उनके पास जी ट्वेंटी के अंदर उनका है ब्रिक्स के अंदर उनकी लीडरशिप है अगला टारगेट उनका यह है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट ली जाए तो ये सारे जो चीजें नेटो प्लस की उन्हें ऑफर दी गई और उन्होंने कितना डायरेक्टली उस चीज के ऊपर अपना स्टांस रखा कि भाई हम जो उनसे न्यूट्रल रहना चाहते हैं हम तो, अभी हमें सूट ही नहीं करती इंडिया को नेटो प्लस की ऑफर सूट ही नहीं करती मतलब बड़ी एक बड़ी बात है बिल्कुल डेफिनेटली मैं समझता हूं कि दिस विल बी आ, और दूसरी सबसे बड़ी आपके देखने वालों को मैं बात बताना चाहूंगा ये सारा कुछ 1991 के बाद हुआ है भारतीय ग्रोथ जो सारी शुरू हुई है भारत ने खुल के जो क्रीज से बाहर आके खेलना शुरू किया है 1991 के बाद ये सारा कुछ शुरू हुआ है एक ह्यूज मॉडल है पूरी दुनिया को पढ़ना चाहिए देखना चाहिए कि क्या क्या अवामल थे जो भारत को इस नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा अल्टीमेटली मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं मेरा पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स है लेकिन यहाँ हार्वर्ड से ऑक्सफोर्ड से कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो है चार चार सौ साल पुरानी ये इंस्टीट्यूशन है यहां से स्वायब मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख के जाते आप देख लें इस वक्त आपकी जो रूलिंग एलिट है सारे इंस्टीट्यूशन की यहीं की पढ़ी है। हार्वर्ड से है कैम्ब्रिज से है सारा कुछ है लेकिन लूट मार के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे छिहत्तर साल से है। ये ये एक अलमिया है मेरा भी और ये दुनिया को मैं समझता हूँ और दूसरा एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर मैं किसी की बात करता कोई डच अमेरिकन होता कोई स्वीडिश अमेरिकन होता ना तो एक बात चल जाती थी उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो जिनका डीएनए हमारे साथ बिल्कुल सेम है जिनकी सोचें हमारी जैसी हैं जिनकी जिनका खाना पीना हमारे साथ है वो लोग आपको सेवेंटी सिक्स के बाद छिहत्तर साल में इतना गैप दे चुके हैं जो कि अब काउंट करने से भी अंबेरसमेंट होती है ये मे, मेरा ये मेरा खास कर मैं एड्रेस करना चाह रहा था अगर उसको मेरे कुछ पाकिस्तानी दोस्त इसको देख रहे हैं तो हम वी हैव कम टू द पॉइंट इट इज एम्बेरसिंग नाउ जो आपकी सिचुएशन है पोलिटिकली और जो आपकी इकोनॉमिकली सिचुएशन है और अभी तक किसी भी जी शहर पाकिस्तानी के पास इस मसले का हल मौजूद नहीं जो इस वक्त आप मैं इस मेरे बहुत से सवाल में से कुछ सवाल इसके ऊपर भी है विजन जो इंडिया के लोगों के पास इंडियन यूथ के पास और पाकिस्तानी यूथ के पास है इसके पास इसके ऊपर बाद में बात करेंगे पहले बताएं आपने जियो की बात की आपने बोला यूएस ये चाह रहा है कि रशिया इंडिया के जो रिलेशन है उ, उनके दरम्यान कहीं पे आया जाए इंडिया को अपनी साइड पे लाया जाए और चाइना का जो पावर है इंफ्लुएंस है इस एशिया के खिते में इसे कम किया जाए क्या ये होता नजर नहीं आ रहा और सेकेंडली क्या

लेकिन उसमें मैं एक और छोटी सी चीज बताना चाहता हूं हूँ ये सारी गेम जो 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 अमेरिकन इस वक्त सोच रहे हैं इट इज नॉट अचीवेबल उसकी वजह ये है मैं बताना चाहता हूं इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका इज लूजिंग ऑन द द इन वर्ल्ड फॉरन पॉलिसी और उस फॉरन पॉलिसी का आगाज तो बड़े अरसे से शुरू था लेकिन आखिरी स्टेप जो है फॉल ऑफ काबल उसने इनके काफन के अंदर आखिरी नेल ठोका है उसके बाद जिस तरीके से आप देखें इनके एलाय वो मक्खियों की तरह उड़ रहे हैं इनके पास से आ, इनको सऊदी अरेबिया छोड़ गया जिसके डिफेंस का टोटल के अंदर इतना बड़ा आर्मी बेस है अब वो भी नहीं इन पे इतबार करते और दूसरा साउथ कोरियन इस वक्त कांप रहे हैं जापान जो है वो कांप रहा है इस यूक्रेन के, के साथ किया गया वो सामने मैं खुद अक्सर अपने दोस्तों से बात करता हूं अमेरिकन से खासकर कि अपने स्टेट डिपार्टमेंट के स्कूलों में अपने वार अपने आर्मी आर्मी के आपके जो अकेडमी है

इस वक्त बैक यार्ड के अंदर ब्राजील सबसे बड़ी अकानमी है चाइना वहां आ चुका है उसके बाद अर्जेंटीना चाइना के कैम में जा चुका है मैक्सिको चाइना के कैम में जा रहा है अगले दिन यहाँ पे एक कंट्री है वहां ने उन्होंने ताइवान की अबैसी बंद करके चाइना की अबी खोल ली रिसेंट इंफॉर्मेशन आपको मैं बताना चाहूंगा कि ईरान जिसको हमेशा ये थ्रेट करते रहे हैं अभी उनका प्रेसिडेंट ईरान से उड़ के सबसे पहले वो वेन् गया से वो उसके बाद वो गया और उसके बाद क्यूबा गया

मैं कह रहा हूं, आपने -चाइना की बात की कि कभी पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप तो पाक, अमेरिका के आ, सिर्फ जिस लेंस से देखे जाते थे टेररिज्म के हवाले से जब से रशिया अफगानिस्तान में गया उसके बाद आपने मुजाहिदीन तैयार किए मुजाहिदीन के बाद तालिबान आए तालिबान के बाद फॉर ऑर्गेनाइजेशन आई पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान uh, के, के हवाले आप रेलिवेंट नहीं रहे एक तो ये बात रही और चाइना किस नजर से देख रहा है मतलब अमेरिका का पता चला कि वो अफगानिस्तान चाइना किस नजर से देख रहा है चाइना भी आपको सिर्फ आप बड़ी खूबसूरती से पाक अपनी भारत की दुश्मनी चाइना को बेचते हैं और वो बेच रहे हैं मुसलसल आज भी बेच रहे हैं आप आपके डार साहब ने परसों स्टेटमेंट दी है कि चाइना हैज सीन द जियोपॉलिटिकल पोजीशन ऑफ अमेरिका और अभी आपको एक बिलियन डॉलर जो अभी चाइना से आया है वो भी आपको आप उस पे सरवाइव कर रहे हैं लेकिन मैं मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि आपकी आपके स्वए बॉर्डर्स जो मिलते हैं मुल्कों के साथ वही आपकी फॉरेन पॉलिसी है और डॉलर बेस्ड फॉरन पॉलिसी आपकी फॉरन पॉलिसी मौजूद नहीं है जो आपको डॉलर देता है आप कहते हैं हम उनके साथ है आईएमएफ ने अपने दरवाजा बंद किया आप छलांग मार के फॉरन शाम को चाइनीज बस पे चढ़ गए हैं वो थोड़े स्लो होते हैं तो आप इनके कदमों में पड़ जाते हैं अफसोस की बात यह लेकिन आपके पास विजन मौजूद नहीं है आपके पास लीडरशिप मौजूद नहीं है आपके पास नेशनलिज्म मौजूद नहीं है और मैं एक ह्यूज फैन ऑफ दिस और कि नेशंस कैन नॉट विदाउट नेशनलिज्म आपके आपके पास नेशनलिज्म मौजूद नहीं है आपके आपके बच्चे या तो जो कोई पढ़ लेता है थोड़ा बहुत वो वीजा लेके भाग जाता है दूसरे बेचारे पैदल भाग रहे हैं आप ये देखें ग्रीस के अंदर जो कश्ती डूबी परसू मैं दुख के साथ कहूंगा मैं मंडी बाहुद्दीन से हूँ चौबीस साल मैं खासकर बताना यह चाहूंगा मैं मंडी बाउद्दीन से हूँ उसमें मैंने मैंने लिस्ट देखी उन पाकिस्तानियों की सिर्फ चार पांच डिस्ट्रिक्ट थे शेखूपुरा सियालकोट गुजरा वाला मंडी बाउद्दीन गुजरात बिल्कुल मैं भी इलाके से और ज्यादातर मोस्टली उसी इलाके से थे जो अभी तक लाशें मिली हैं सत्तर के करीब ऑलमोस्ट जिसका जिनका पता चला है कि वो पाकिस्तानी है और मजीद पाकिस्तानी होने के चांसेस हैं कि जो अभी जिनको तलाश किया जा रहा है सर क्या वजह आपके ही बात से बात निकालता हूँ पाकिस्तान में आप इस चीज से एग्री करें या डिस अभी हम यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान में ये तासुर दिया जाता है कि जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान में बुरा वो अमेरिका करवा रहा है और अमेरिका इंडिया के थ्रू करवा रहा है ठीक है तासुर ये दिया जाता है और दूसरे नंबर पे आज में जे, मुझे पूछ लिया जाए किसी पाकिस्तान की यूथ को पूछ लिया जाए कि भाई कहां जाना चाहते हो अगर अभी वीजा दो तो वो सबसे पहले कहेंगे मैं अमेरिका जाना चाहता हूं ये मुझे इस चीज मैं बड़ा हैरान होता हूं इस बात से कि अमेरिका दुश्मन भी है जाना भी अमेरिका चाहते हैं और इंडिया दुश्मन भी है मूवीज भी इंडिया की देखते हैं गाने भी इंडिया के सुनते हैं आज भी हम मतलब फॉलो इंडियंस एक्टर को कर रहे हैं लेकिन दुश्मन वो है चाइना चाइना जो उनका वो फ्रेंड है जिसके साथ ना तो हमारी लैंग्वेज मिलती है ना तो कोई ट्रेडिशन मिलती है ना मतलब समझ ही नहीं आती उनकी और वो हमारा आयरन फ्रेंड है जो इसमें मैं खासकर आप एक एक आइटम ऐड करना चाहता हूं उसमें वो ये था कि हमारे दुनिया के हर कैपिटल के अंदर दो दो ग्रुप हैं पीटीआई के और चार चार ग्रुप हैं नून लीग के और तीन तीन ग्रुप पाइटी के यहाँ बैठे इस वक्त आपको आपको ये भी पता होगा अभी पीटीआई की सारी लाभी जो है वो पाकिस्तानी अमेरिकन कर रहे हैं या ब्रिटिश अमेरिकन कर, कर रहे हैं पैसा भी लगा रहे हैं सारा कुछ जो मुझे अफसोस है इन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए कोई लेटर नहीं लिखवाया लेकिन अपने अमीरुल उलमोमिन के लिए कर रहे हैं लेकिन मैं इस पर बात ये करना चाहता हूँ कि चौह साहब यहाँ बैठ के पाकिस्तानी सियासत करना चाहते हैं और जो पाकिस्तानी सियासतदान है वो अकाउंट यहाँ रखते हैं बच्चे यहाँ पढ़ाते हैं वो मर रहे हैं अमेरिका के लिए ये मर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कन्फ्यूजन मेरी तो समझ से बाहर तो अगर पूछा जाए कि इस साल तकरीबन थ्री बिलियन रेमिडेंस कम हुआ है ओवरऑल क्या क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर क्या इमरान खान जब से गए हैं तो बाहर के जो कंट्रीज में पाकिस्तानी रहते हैं उनका ट्रस्ट खत्म हो गया मोहब्बत कम हो गई पाकिस्तान से मुझे इस बात की समझ नहीं आई थ्री बिलियन रेमिटेंस कम हुआ है मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री करूंगा मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि ओवरसीज पाकिस्तान इस खान साहब को पैसे भेजते हैं या अपने माँ बाप को पैसे भेजते हैं ठीक है तो फिर वजह क्या है कि मतलब वजह मैं बता देता तो, हूँ पाकिस्तान की रियल स्टेट पाकिस्तान की इकानमी स्लो है पाकिस्तान में रियल स्टेट मेरी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की रियल स्टेट में मेरे पैसे वहां फंसे पड़े हैं मुझे एक और बात बताएं पाकिस्तानी पैसे क्यों नहीं भेज रहे मेरा एक क्वेश्चन ये है क्या आप अगर वहां से कोई मैं, मैं मेरी प्रॉपर्टी फंस गई वहां पे क्योंकि वहां से पैसे बाहर भेजना इम्पोसिबल शेल क्यों वहां फार सेल हो गया शेल ने बिजनेस क्यों बंद कर दिया बिल्कुल मैं अब मुझे ये बताएं कि मैं पाकिस्तान में एक चीज जाके पैसे लगाता हूं और वो पैसे स्टक हो जाए तो मैं दोबारा पैसे वहां भेजूंगा बिल्कुल नहीं सोचेंगे आप इस वक्त आप पाकिस्तान से पैसे नहीं ले सकते दूसरी उसकी बात यह है कि पूरी दुनिया में कोविड के बाद इकानमी स्लग हो गई है इस वक्त जो आप आप सबसे बड़ी बात है आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं लेकिन आप गंदम इंपोर्ट करते थे क्योंकि आपने सारी प्लाटिंग शुरू कर दी थी लोग प्लाटों से पैसे बना रहे थे ये प्लाट इकानमी थी जब वो प्लाट स्लो हुए तो ओवरसीज क्यों पैसे पाकिस्तान भेजेंगे खां साहब ने एक, एक ऐसा और दूसरी आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त देखें सबसे ज्यादा पॉपुलर आपकी पार्टी एक ही है इस वक्त जो सोशल मीडिया पार्टी है आपकी पीटीआई बड़ी खूबसूरती के साथ एक तो उन्होंने बड़ा मैं कल परसों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि उन्होंने जिन बच्चों पे कोशिश की पैसा इन्वेस्ट करने की वो सारे बच्चे दो हजार के बाद की पैदावार है क्योंकि हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है लैपटॉप है और डेढ़ अरब रुपया महीने का खर्चा पीटीआई सोशल मीडिया आ, आ, के टीम पर करती थी बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने उस पर टारगेट किया और उस उस कॉम कौ, को टारगेट किया जिनको ना जियालाक के हाथ लगे थे ना परवेज मुशर्रफ के हाथ लगे थे तो वही बच्चे उन्हें क्षेत्र परेड का कोई एक्सपीरियंस नहीं था दर, अगर डायरेक्ट उसमें करें तो वो क्योंकि अच्छा फिर वही बच्चे जब कोर कमांडर के घर में घुस के उन्होंने नारे लगाए मुबारक मुबारक इनकलाब इनकलाब मेरे उन्होंने पीटीआई ने टारगेट उन बच्चों पे किया था डेढ़ अरब रुपया महीने का लगता था पचपन जलसे खास अमेरिका की बात करें पचपन जलसे खान साहब ने साइफर के ऊपर किए हैं अमेरिका के खिलाफ जहाद के लिए किए हैं पचपन जलसे और बाद में उनकी सामने वीडियो उनकी... ना, उनके सामने अब उनके सामने नाक की लकीरें निकाल रहे हैं उन अमेरिकन के सामने उनकी मिन्तें कर रहे हैं कांग्रेस मैनों को प्लीज स्टेटमेंट दे दे मेरी स्टेटमेंट दे दें तो जब ये आप कहते हैं अमेरिका के साथ दुश्मनी हालांकि अगर मैं बताना चाहूं अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान मेरी गुजारिश ये आपके देखने वालों को डेविड लू के बारे में इन्होंने एलिगेशन लगाते रहे अगर हुकूमतें चेंज करने भी हो तो बता के नहीं की जाती ये जिस तरह साइफर कहते थे ना साइफर आ गया हुकूमतें इस तरह तब्दील नहीं होती दूसरा इस वक्त अमेरिका सख्त ही नहीं रखता किसी मुल्क के अंदर हुकूमत चेंज करने की सी आई ए का ऑपरेशन जो है एशिया के अंदर आपके उस एरिए में बहुत कमजोर हो चुका है और दूसरी बात यह है कि अगर इतना अमेरिका स्ट्रांग होता तो सऊदी अरेबिया को चाइना के साथ ना जाने देता गोइंग थ्रू देर एक ड्रामा पाकिस्तान के अंदर किया जाता है ना कि हर चीज के पीछे अमेरिका है अमेरिका बिल्कुल किसी चीज के पीछे नहीं है और, अच्छा दूसरी बात है अगर आप अमेरिका आपके साथ हो तो आई का पैकेज ना आपको दे दे वो वो ऐसा ही है वो तो तु, 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 अच्छा सबसे है कि हालते जंग में है यूक्रेन यूक्रेन को आई एम ने कर्जा दे दिया आपको नहीं दे दिया दे रहा उसकी वजह ये है कि भारतीय डायस्पोरा भारतीय लॉबी वॉशिंग डीसी के अंदर इतनी स्ट्रॉग है और मैं फ्यूचर के लिए आपको आज बात बताना चाहूंगा अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा आपसे वरना बात नहीं करेगा भारत इस अ, अमेर, अमेरिका इस वक्त अमेरिका इस वक्त अमेरिका की झोली में पड़ा है और उनसे पूछे बगैर आपसे भारत की झोली में यहां आईएमएफ के अंदर भी और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी और बिल्कुल वाशिंगटन डीसी के अंदर टोटल जो है वो भारत की मर्जी चल रही है आपको फैटफ से भी भारत से पूछ के निकाला गया था और फ्यूचर में भी

डॉलर महंगा है आपका पेट्रोल जो रेट आपको दिया जा रहा है जो भारत को दिया जा रहा है वर्सेज आपको दिया है क्योंकि उसकी वजह मैं बताता हूँ चौसा उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है आपके इस वक्त सारे डिसीजन मेकर जो है सारे वो पाकिस्तानी नहीं है उनके पास पासपोर्ट पाकिस्तानी है लेकिन उनके दिल दिमाग पाकिस्तानी नहीं है वो सारे लंदन बेस है टोरंटो बेस है